हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो चलो तो कार्बन कंपाउंड स्टार्ट किए थे और बहुत कुछ डिस्कस किए थे, थोड़ा बहुत ही बहुत कुछ हम लोगों ने उस लेक्चर में डिस्कस किए थे। चैप्टर की स्टार्टिंग हम लोगों ने किए थे कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है, हम लोगों ने पढ़े थे कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता है। हम लोगों ने पढ़े थे कि कोवेलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड होती है एज कम्पेयर टू आयोनिक बॉन्ड, इसीलिए कार्बन से बनने वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। हम लोग देखे थे कि क्यों वो चार इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, क्यों वो चार इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। हम लोग देखे थे कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, शेयर, पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनती थी उसको हम लोग क्या बोलते थे, कोवेलेंट बॉन्ड, उसको क्या बोलते थे हम लोग। बट हम लोग ये भी पढ़े थे साथ ही साथ कि कोवेलेंट बॉन्ड ये कोई खास प्रॉपर्टी कार्बन की नहीं, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये भी कौन सी बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से कार्बन इतने सारे कंपाउंड नहीं बना, अगर आपको याद हो तो वहां पर जब हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड वाला मॉडल बनाए थे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, तो दो टाइप के स्ट्रक्चर बने थे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन लाइन स्ट्रक्चर। आपको बताया था कि एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती, तो जब आप उसको लाइन से या बॉन्ड से शो करते हो उसको बोलते थे इलेक्ट्रॉन लाइन स्ट्रक्चर। एग्जाम में कभी कभी पूछता है, हम लोगों ने पढ़े थे कार्बन अ वर्सेटाइल एलिमेंट, कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है, पढ़ते कि भैया वो बहुत सारी जगह पर आप लोगों को मिलता है और बहुत सारे लोगों से रिएक्ट करता है, क्यों, उसके अंदर कुछ खास प्रॉपर्टी, क्या क्या थी, पहली प्रॉपर्टी थी कैटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी, वो खुद से ही क्या हो सकता है, कंबाइन हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़े थे कि कार्बन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता है, मतलब सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल, सिंगल है तो सैचुरेटेड है, डबल और ट्रिपल है तो अनसैचुरेटेड, सिंगल था तो अल्केन बोलते थे, डबल था तो अल्कीन बोलते थे, ट्रिपल था तो अल्काइन। हम लोगों ने पढ़े थे कि कार्बन जो है वो हमेशा स्ट्रेट चेन नहीं बनाता, वो ब्रांच चेन भी बना सकता है और रिंग चेन भी बना सकता है। रिंग चेन में एक स्पेशल स्ट्रक्चर बेंजीन याद करवाएगा, C6H6, जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। देन उसके बाद हम लोगों ने देखे थे कि कार्बन के पास आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी है, आइसोमेरिज्म हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम है केमिकल फॉर्मूला क्या उसका, बट उसके स्ट्रक्चर क्या है, गिरगिट प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो स्ट्रक्चरल हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल। देखे थे कि कार्बन जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन से ही अटैच हो, हाइड्रोजन के अलावा भी वो बहुत सारे लोगों से अटैच हो सकता है। याद है मैंने नाम लिखा था, हैलोजन से अटैच हो सकता है, एल्डिहाइड से अटैच हो सकता है, कीटोन से अटैच हो सकता है, अल्कोहल से अटैच हो सकता है, एसिड से अटैच हो सकता है, अमाइन से अटैच हो सकता है, ईथर से अटैच हो सकता है, ईस्टर से अटैच हो सकता है, ये कुछ चीजें थी जिनसे वो कंबाइन हो सकता है, उसको बोलते थे फंक्शनल ग्रुप, क्या बोलते थे इसको। हम लोग पढ़े थे कि जब ये लोग कार्बन की चेन में अटैच हो जाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते थे, फंक्शनल ग्रुप थे। फिर हम लोग होमोलोग सीरीज के बारे में पढ़े थे, ऐसी सीरीज जिसमें बार बार क्या ऐड हो, CH2 ऐड हो या मिथिलीन ऐड हो, क्या ऐड हो, मिथिलीन, या मास के टर्म्स में बोले तो कितना मास, 14U, यू याद है ना, यूनिफाइड एटॉमिक मास मैंने बताया, 14U ऐड हो, तो ऐसे केस में जो सीरीज होगी उसको हम लोग क्या बोलते थे, होमोलोगस सीरीज बोलते थे, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों की सीरीज बनाए थे, याद आ रहा है, तीनों का ही जनरल फॉर्मूला डिराइव किए थे, CnH2n+2 अल्केन, CnH2n अल्कीन, CnH2n-2 अल्काइन, याद आया कि इस फॉर्मूले से आप कोई भी नंबर का कार्बन का अल्केन, अल्कीन या फिर अल्काइन क्या कर सकते थे, बना सकते थे, याद आ गया सभी लोग। लास्ट लेक्चर में बच्चे लोग यहाँ तक कि हम लोग पढ़े थे, ये पुराना रिवीजन है, इसका लेक्चर भी मैंने अपलोड कर दिया हूँ, अगर किसी ने नहीं सुना है तो पहले उसको देखो क्योंकि वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसमें सारा बेस था। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे लोग IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे लोग, जिसका काम ही है
एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स का नाम देना, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताना, ये सब किसका काम होता है? आईयूपीएसी का। आईयूपीएसी। ठीक है भैया, आईयूपीएसी क्या है? आईयूपीएसी नेमिंग होती है। देखो होता क्या, जब कंपाउंड डेवलप हो रहे थे, जब मिल रहे थे, तो लोग क्या कर रहे थे, वो जहां से ओरिजिनेट हो रहे थे ना, उसके बेसिस पे उसका नाम रख देते थे। बट दिक्कत ये थी कि एक दो एलिमेंट तो है नहीं कि बोले हाँ ठीक है चलेगा, काम इतने से बन जाएगा। नहीं भैया, मिलियंस ऑफ कंपाउंड है तो सबका कैसे नाम रखा जाए? कोई एक स्टैंडर्ड मेथड बनाना पड़ेगा ना। से फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि भैया मुझे रतालू खाने का है। क्या खाने का है? रतालू। कितने लोग को रतालू पता नहीं से रहे? ठीक है 10-12 लोग हैं, बट स्टिल कुछ बच्चे लोग को नहीं पता। अच्छा मैं बोलता हूँ मेरे को गंजी खाने का है, मालूम है कुछ। अच्छा मैं बोलता हूँ कि मेरे को शकरकंद खाने का है, अब मैं बोलता हूँ मेरे को स्वीट पोटेटो खाने का, वही है ना नाम? देखो ये चारों वाला है, बट मैंने जो भी बोला वो एक ही चीज को बोला। अब इससे क्या होती है कंफ्यूजन, कुछ बच्चे लोगों को शकरकंद नहीं पता, कुछ लोगों को। अब इसका एक नाम और है, सोलानम ट्यूबरोसम। इसका साइंटिफिक नेम है, क्या नाम है उसका? सोलानम ट्यूबरोस। मैं बोला मेरे को मैंजीफेरा इंडिका खाने का है। नहीं ये वो नहीं, ये आम है। आम का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। तो भैया आप समझ रहे ना, अलग अलग नाम होने से प्रॉब्लम बहुत होती है। जैसे एक बार लिटरली पेरेंट्स आए थे झगड़ रहे थे। क्यों झगड़ रहे थे? सर उसका नाम, मतलब नाम जो आप लोग बोलेंगे वो लिखते हैं, हम लोग को कोई टेंशन नहीं। वैसे भी हम लोग तो कोई डॉक्यूमेंटेशन आपका कर रहे नहीं है, इनकेस कुछ अगर अलग भी रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं सर उसका नाम सानिया है। बोले अरे तो ठीक है ना, हम लोग ने काम अलग किया है। बोले आपने इसमें सानिया नहीं लिखे ना, तो बोला ठीक है सर क्या लिखा है? तो मैं बोला कि इस पर तो जोहरा लिखा है। बोले हाँ, तो बोला फिर मेरी गलती थोड़ी, जो बोलेंगे वो लिखे। नहीं जोहरा तो घर में बुलाते हैं ना उसको, सानिया उसका नाम है, सब जगह सानिया है। तो बोला वो मेरी गलती है, आप जो बोलेंगे वो लिखेंगे ना। तो वो एडमिशन के टाइम पर आए थे तो वो गलती से बोल दिए। तो मैंने ठीक है ना, वैसे भी कोई मसला नहीं है, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, तो मल्टीपल नेम होने से प्रॉब्लम होती थी, तो हम लोग को एक स्टैंडर्ड नाम चाहिए। क्या चाहिए? एक स्टैंडर्ड नाम। तो वो स्टैंडर्ड नाम किसने दिया? आईयूपीएसी। किसने दिया बच्चे? आईयूपीएसी वालों ने क्या बोला कि भैया एक तो कंपाउंड नहीं है, सुनो यहाँ पे, एक तो कंपाउंड नहीं है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड है। तो हम लोग नाम नहीं बताएंगे, नाम रखने का तरीका बताएंगे। क्या बता देंगे आपको? तरीका बता देते हैं, आप तरीका सीखो, और उसके बाद आपके पास कोई भी कंपाउंड आया आप उस तरीके से क्या कर सकते हो? सही बात है ना भैया, मिलियंस ऑफ कंपाउंड का नाम याद करने से अच्छा है आप 10-20 रूल याद कर लो कि ये रूल से मैं क्या कर लूंगा, नेमिंग ले लूंगा। ऐसे तो इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, हम लोग को अगर 10th में थोड़ा बहुत ही बताया तो हम लोग उतने पे ही चलेंगे जितना बुक में अपने मेंशन। ठीक है, अब नेमिंग कैसे देंगे उसको जरा ध्यान से। एक होता है प्रीफिक्स, जो पेरेंट नेम से पहले आता है। पेरेंट नेम से पेरेंट नेम क्या है बाद में बताता हूं। और एक होता है सफिक्स, या तो प्रीफिक्स आएगा या तो सफिक्स आएगा, दोनों नहीं आएगा। समझ आ रहा है? या तो प्रीफिक्स आएगा या तो पेरेंट नेम हमेशा रहेगा, पेरेंट नेम प्रीफिक्स आएगा या तो सफिक्स। सवाल ये कि प्रीफिक्स कब आएगा? तो देखो अगर हेलोजन अटैच है, क्या अटैच है? हेलोजन के लिए याद है ना बॉन्ड एक्स लिखते थे, तो अगर हेलोजन अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वो कहां पर आएगा? प्रीफिक्स में, मतलब पेरेंट नेम से पहले आएगा। तो मान लो कि कार्बन की एक सीरीज, इसमें क्लोरीन अटैच है तो क्लोरीन को आप पहले लिखेंगे, वहां क्लोरीन नहीं लिखते बच्चे, क्लोरो लिखते। क्या लिखते हैं? क्लोरो। तो क्या लिखेंगे वो भी लिख देता हूं, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आयोडो, इस तरीके पूरा नाम नहीं लिखते। ठीक है, ये कब लिखेंगे? जब हेलोजन होगा तब। अगर अपने कार्बन की चेन में हेलोजन अटैच है, ध्यान से देखो, अभी मैं तुम लोगों को बोर्ड पे बुला के सॉल्व करवा रहा, तो हाँ एकदम इसीलिए बोल रहा हूँ ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वापस से आप लोगों को
ट्वेल्थ में और इलेवेंथ में जितने चैप्टर ऑर्गेनिक से पढ़ेंगे सब में आए, इसीलिए बोलो ध्यान से देखो। तो भाई ये क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आयोडो एंड गोस ऑन, इसके अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं सबके सब किस में आएंगे, सफिक्स। जैसे अब मान लो अपने को पता है कि अपने पास अल्कोहल होता है, है ना बच्चे, अल्कोहल को बॉन्ड OH से लिखते हैं, ना OH दिखा दो अल्कोहल, तो चेंजेस क्या होगा? देखो पेरेंट नेम में अल्केन में लास्ट में ई आता है, अल्केन हो अल्कीन हो या अल्काइन हो लास्ट में क्या आता है, ई। तो वो ई को हटाकर वहां पर ई की जगह पर लिखते अल, क्या लिखते हैं, सॉरी अल्कोहल है ना, तो ऑल लिखे, क्या लिखेंगे, मीथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल, समझा कि नहीं। अगर एल्डिहाइड हुआ, कौन हुआ बच्चे लोग, एल्डिहाइड याद है ना फॉर्मूला, बॉन्ड सी एच ओ, अगर सी एच ओ दिखा तो क्या बोलते थे, अरे फंक्शनल ग्रुप लास्ट टाइम दिखाया था, सी एच ओ दिखा तो क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते। तो चेंजेस क्या होगा, ई की जगह लिखेंगे अल, ई की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, समझ रहे हैं ना, चेंज क्या करना है, पेरेंट नेम में ई की जगह क्या लगा देंगे, अल लगा देंगे। अगर कीटोन हुआ क्या हुआ बच्चे लोग, याद है बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ऐसा लिखते थे, या इसको ऐसा भी लिखते कंबाइन सीओ मिला के अगर लिख दू तो सीओ, स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो ऐसा। तो यहां पर ई की जगह लगाएंगे वन, क्या लगाएंगे, मीथेन, मीथेनॉन इथेनॉन प्रोपेनॉन ब्यूटेनॉन, वन लग रहा है ना लास्ट में, यहां पर अल लग रहा था, मीथेनल इथेनल प्रोपेनल ब्यूटेनल टेरेनल, टेरेनल गाना है भैया, अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन एसिड भी हो सकता है, एसिड यहां पर बॉन्ड सी ओ ओ एच, इसको क्या बोलते थे, एसिड। तो अगर एसिड है तो ई की जगह लगेगा ऑइक एसिड, क्या लगेगा, ठीक है कोई दिक्कत। और एक बचता है अमाइन, क्या बचता है बच्चे लोग, अमाइन्स बॉन्ड NH2, बॉन्ड मतलब पहले कौन है, कार्बन है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, पहले कौन है, बताया भी था ना से, तो NH2 अमाइन बोलते, तो E की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, अमाइन ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अरे समझा, हेलोजन आएगा प्रीफिक्स में, बाकी सब कहां आएंगे। अब इसमें एक चीज और है, उसको मैं समझाता हूँ कि एग्जांपल के थ्रू, जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मान लो मैंने बोला CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CL बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये इसका नाम देने का अपने। अब ध्यान से देखो इसमें कितने कार्बन है, पांच, तो वो मेरा पेरेंट चेन है, वो मेरा क्या है चलो, ये जो पेरेंट नाम बोलते ना हम लोग, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, पांच कार्बन वाले एल्केन को क्या बोलते थे, प्रोपेन बोलते थे, पेंटेन बोलते थे, क्या बोलते थे बच्चे लोग, अरे याद करो जरा 10 नाम, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नॉनेन डेकेन, याद आया। तो भाई जब पांच कार्बन है तो उसका नाम क्या पड़ेगा, पेंटेन, क्लोरीन अटैच है ना तो क्या लिखेंगे, क्लोरो, बट ये रॉन्ग हो गया। हाँ सुनो मेरी बात, क्यों, अगर मैं आपको बोलूं कि क्लोरोपेंटेन बनाओ, उल्टा बोल रहा हूं, मैंने नाम दे दिया बोला क्लोरोपेंटेन बनाओ, तो पेंटेन बोले तो आप भी पांच कार्बन बना देंगे, अब क्लोरीन आप जरूरी है कि यही लगाएंगे क्या, आप तो ये वाले कार्बन पे भी लगा सकते हो, सर पहले पे भी लगा सकता हूं मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब आपको नंबरिंग देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, नंबरिंग मतलब आपको बताना पड़ेगा कि कौन से कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है, नहीं तो बिना नंबरिंग के काम बनने वाला। तो पहला तो डिसाइड करेंगे कितने कार्बन है, दूसरा चेक करेंगे फंक्शनल ग्रुप है या नहीं, और अगर है तो नंबर देंगे, क्या देंगे इसको नंबर, कहां से देंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप पहले पढ़ता हूं, जैसे एग्जांपल अगर मैं यहां से नंबर देता हूं राइट साइड से, तो 1 2 3 4th कार्बन पर क्या आएगा, क्लोरीन, बट अगर मैं यहां से नंबरिंग दू तो सेकेंड पर आएगा, पहले कहां से आ रहा है, लेफ्ट से, तो नंबरिंग कहां से देंगे, तो आप नंबरिंग दो 1 2 3 4 5, सेकेंड कार्बन पर है ना, तो इसको लिखेंगे 2-chloro-pentane, अब ये हो गया करें, मतलब सेकेंड कार्बन पर आएगा क्लोरीन, कार्बन कितने होंगे, पांच, अच्छा समझा कि नहीं, हाँ है ना, अच्छा
अब मैं एक सफिक्स वाला केस ले लेता हूं। तो देखो अगर मान लो कि यहां पर क्लोरीन के बजाय OH होता, क्या होता बच्चे? क्लोरीन के बजाय क्या होता? तो फिर क्या नाम होता? तो सर पांच कार्बन है तो मैं क्या लिखता? पेंटेन। मगर सेकेंड कार्बन पर अल्कोहल है ना, तो ऐसा डालेंगे डैश टू अल्कोहल होता तो ई की जगह क्या लिखते? समझा? पेंटेन टू। और याद रखना नंबर जो होता है ना वो या तो प्रीफिक्स से पहले आता है या तो सफिक्स से पहले आता है। कर लो आया ना पक्का? अब देखो आपके टेस्ट बुक में ना बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं सबको वन बाय वन सॉल्व करवा, दो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा फिर बाकी आप लोग को बुलवा के सॉल्व करवाऊंगा। टेस्ट बुक पास करो बेटा। यार पेज नंबर 134 Write the IUPAC name of the following structural formula. आपको IUPAC name का नाम दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉमन नेम और एक होता है IUPAC। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? IUPAC। पहला स्ट्रक्चर ले रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखें। स्ट्रक्चर है CH3, CH2, CH2, CH3। क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है ना? नहीं है। सर वहां से तो कोई भी नहीं है, मतलब इसमें कोई नंबर वंबर देने की जरूरत नहीं। सिंपली कार्बन कितने हैं? चार कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। अच्छा समझा कि नहीं? अच्छा अब ये वाला स्ट्रक्चर देखो CH3 CHOH, ये OH ना, CHOH बॉन्ड CH3 कैसे लिखेंगे बताओ? क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? अरे OH है ना, OH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल। सुनो मेरी बात ध्यान से, नंबर देना पड़ेगा, अल्कोहल आ गया ना, तो मैं नंबर अगर यहां से देता हूं तो भी दूसरा कार्बन, यहां से देता हूं तो भी कोई फर्क नहीं, कहीं भी नंबर दे दो आपकी मर्जी से। तो भैया लेट्स से ये 1, ये 2, ये 3, तीन कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? ई नहीं लिखेंगे ना, अरे ई नहीं लिखते ना, ई की जगह तो चेंज है, सेकंड पर है ना, प्रोपेन 2 और ई की जगह लिखते हैं। समझा? पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे? खाओ मां कसम, मार रहे हो आज। चलो नंबर लगाते हैं, वन बाय वन में सबकी बारी आएगी। CH3 CH2 COOH। सुनो यहां पे ध्यान से, कितने कार्बन है उसमें? तीन। देखो इस बार COOH मेरा फंक्शनल ग्रुप है, मगर उसमें कार्बन है ना तो मैं उसको काउंट करूंगा, फंक्शनल ग्रुप है तो नंबर देना पड़ेगा। नंबर कहां से दूं? लेफ्ट साइड से। तो इसको नंबर 1 दो, लेफ्ट साइड से देंगे कि राइट साइड से? राइट साइड। तो नंबर दो उसको 1 2 3। सही बात है। देखो अगर पहले कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है ना तो अगर आप नंबर नहीं भी दिए तो कोई फर्क क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो किस पर है फिर? अगर नंबर नहीं लिखा है और आपने फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं मतलब वो पहले ही कार्बन, आप समझ रहे कि नहीं? कुछ नहीं मतलब क्या है? तो ऐसा अब ना लिखो, तीन कार्बन है, तीन कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। लिखो प्रोपेन। लिखो भाई ये तो बड़ा लिख मत, मेरे को बोलते थे बड़ा बड़ा लिखो। सर प्रोपेन आइडिया आइडिया एसिड है ना? हाँ। अब देखो उसने नंबर नहीं लिखा, नंबर लिखा है क्या उसने? नहीं। जब इसने नंबर लिखा है क्या बच्चे लोग? मतलब इसका आंसर रॉन्ग है क्या? नहीं सर, इसका आंसर करेक्ट है क्योंकि पहले ही कार्बन पर क्या है? फंक्शनल ग्रुप। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, समझे?
बात वही, वन लिख के भी बता सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो मतलब बाय डिफॉल्ट कितने पे हो, फर्स्ट पे। अरे क्लियर। सेकंड एग्जांपल, CH3 CH2 NH2 CH3 CH2 NH2। CH3 CH2 NH2 नंबर दे, उसको नंबर देंगे। नंबर नाइट्रोजन में कार्बन है ना, या सॉरी यहां कार्बन है क्या, नंबर किसको देते? तो यहां तो नाइट्रोजन कार्बन तो है ही नहीं सर, तो इसको नंबर नहीं दे सकते। इसको क्यों दे रहे थे? क्योंकि सर इसमें कार्बन था, इसमें है क्या नहीं। नंबर इसको नहीं। नंबर कहां से देंगे? यहां से। अब आप बोलेंगे सर मैं तो यहां से भी दे सकती हूँ, और मैंने अभी बताया जहां से फंक्शनल ग्रुप होता है नंबर, तो भैया नंबर कहां से लेंगे? यहां से। तो लिखो वन, बाजू वाले पे देखो, तो उसको क्यों नंबर दे रहे? बाजू वाला उस पे टू लिखो, सही है? अरे हाँ या ना। अब बताओ कितने कार्बन है बेटा? दो कार्बन, दो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? इथेन। लिखो अब पहले कार्बन पर है ना, अमाइन किस पर अटैच है, तो डैश वन डैश एनएच टू के लिए क्या लिखते हैं? वेरी गुड, दैट्स इट, इजी है ना। अरे हाँ या ना भाई। नेक्स्ट देखो, ठीक है कौन आएगा भाई? अब मैं नहीं हो सकता, मैं को कहाँ देखा सर। पांच वाले CH3CHO, क्यों ए बच्चे तू चले चप्पल चला के मारूंगा तो तेरा जल्दी जल्दी टाइम पास हेल्प कर रहा हूँ ना मैं। कितने कार्बन है? तो नंबर देना पड़ेगा कहां से? तू वन तो सी एच ओ है ना, सी एच ओ बोले तो एल्डिहाइड, देख के बोलो सी एच ओ का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड है, ई की जगह क्या लगेगा? दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या बोलते हैं? लिखो इथेन। जो यहाँ बोर्ड पर आ रहा है ना, यकीन जानना उसका टॉपिक एकदम यही परफेक्ट हो गया। इथेन वन लिख दो, अल्ली आई में देखो ई की जगह क्या लगाते हैं, लिख दो अल्ली, हो गया बस इजी। ये तो मैं बोल रहा था, सुन ही नहीं रहे। एक और देखो यहाँ पे CH3 CO CH2 CH3 कौन आएगा भाई? अभी कोई है हमने से आने वाला कि मैं बुलाऊं जबरदस्ती? अभी आपका हो गया ना, आप आओ बेटा जल्दी जल्दी टाइम पास जल्दी फटाफट। नहीं वैसे भी आप कैमरा ही लेगा कार्बन काउंट करो बेटा कितने कार्बन है? फोर कार्बन। नंबर एक देना पड़ेगा कहां से? नंबर दो यहां से देंगे, यहां से देंगे तो देखो तीसरे कार्बन पर है, यहां से देंगे तो नंबर एक यहां से, सही है? सीओ का मतलब, सीओ का मतलब कीटो, सीओ का मतलब तो यहाँ पे कीटो है, चार कार्बन वाले का नाम ब्यूटेन। लिखो ई नहीं लिखते ना, सेकंड कार्बन लिखो तो डैश टू सेकंड कार्बन डैश ई की जगह क्या आएगा देखो आप, वन लिख दो वन बस हो गया, इजी है ना भाई? यही है, यही है IUPAC। अब सुनो मेरी बात, ये एक केस हुआ जहां पर अपने को नाम दिया था, सॉरी स्ट्रक्चर दिया था, हमने नाम ड्रॉ कर दिया। अभी केस को थोड़ा सा बदलते हैं,
अब आप देखो नाम दिया होगा हम लोग स्ट्रक्चर डालोगे उल्टा, ठीक है? यहाँ देखो जरा क्वेश्चन नंबर 7, बोला राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग आईयूपीएसी नेम। पहला क्वेश्चन है पेंटेन टू वन, सुनो मेरी बात अच्छा, पेंटेन मतलब कितने कार्बन? पांच, तो पांच कार्बन, एक दो तीन चार, ये थोड़ा ना स्पेस देकर रखना क्योंकि उसमें बीच में एच भी आने लगा इसकी, टू वन ना मतलब सेकेंड कार्बन पर वन, वन बोले तो कीटोन, सेकेंड कार्बन पर क्या चाहिए? तो आप यहाँ से सेकेंड पर दे दो यार, यहाँ से आपकी मर्जी, आप जहां से भी लगा दो नंबर वहीं से होगी फिर, तो सर यहाँ पे लगा देते हैं, सी डबल बॉन्ड होता है ना, सीओ में लिख सकता हूँ, बट मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको वैलेंसी भी समझाना है ना मुझे, इसलिए अब देखो बस अब कार्बन की वैलेंसी फुलफिल कर, कार्बन की वैलेंसी कितनी थी? चार। इस कार्बन ने कितनी बॉन्ड बनाया और कितनी बॉन्ड बनाया? तो वो तीन कौन आएंगे यहाँ पर? हाइड्रोजन। कौन आएंगे? इस कार्बन ने चार बॉन्ड बना चुके हैं, तो इसको और कोई बॉन्ड बनाने की जरूरत? इस कार्बन ने कितनी बॉन्ड बनाया तो और कितने हाइड्रोजन? इस कार्बन ने कितनी बॉन्ड बनाया तो और कितने हाइड्रोजन? इस कार्बन ने कितनी बॉन्ड और कितने हाइड्रोजन? ओके डन, इजी। एक एग्जांपल और देखो, टू क्लोरो ब्यूटेन, क्या नाम है मछलो? टू क्लोरो ब्यूटेन, ब्यूटेन है ना, मतलब कितने का है? तो एक दो, ब्यूटेन का मतलब चार होता है, दो तीन चार। सेकेंड कार्बन पर क्या चाहिए? क्लोरीन। तो यहां से दे दो या यहां से, मैं यहीं से लगा देता हूं क्लोरीन, सही है? अब वैलेंसी फुलफिल करो, कार्बन की वैलेंसी चार। सर इसने एक ही बॉन्ड बनाया है और कितनी बॉन्ड बनाई? तीन। इसने तीन बॉन्ड बना चुका है और कितनी बनाया? इसने दो बॉन्ड बनाया और कितनी बनाया? इसने एक ही बनाया और कितनी बनाया? ओके इजी। जितने पेरेंट चेन में जितने कार्बन है उनके कार्बन लगाओ, जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच करो, कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करो, काम खत्म। अरे समझा? ट्रायल मारेंगे एक तीसरा देखो, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, यहां देखो बच्चा, प्रोपेन मतलब कितने कार्बन? दो, दो तीन, कितने? एक दो तीन, ऑल मतलब सेकेंड कार्बन पर तो लगा दिया ओ एच, क्या लगा दिया बच्चा? बस वैलेंसी फुलफिल करो, यहाँ पर एक बॉन्ड बनाए तो कितनी बॉन्ड बनाएगा? इसने तीन बना चुका है तो एक, इसने एक ही बनाया तो हो गया, इजी है ना। फोर्थ वाला देखो, मीथेनल, क्या है बच्चों? देखो मीथेनल है तो एक ही कार्बन है, मीथेन का मतलब एक ही, अल मतलब एल्डिहाइड है, सर एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? सी एच ओ, बॉन्ड लिखते ना, मतलब एक अभी भी बॉन्ड बची है तो वहां पर कौन आएगा? कार्बन तो नहीं लगा सकते ना, वैलेंसी फुलफिल करेंगे किसको लगाऊंगा? हाइड्रोजन। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एच सी एच ओ, बॉन्ड हटा के लिख दिया मैंने, एच सी एच ओ मतलब मीथेन, मतलब समझा कि नहीं? चाहो तो इसको वैलेंसी वाइज भी बना, देखो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ना एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर तोड़ के बताया था, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच ऐसा दिखता है, तीन ही बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड बची है तो वो बॉन्ड पर मैंने किसको लगाया था? एच। समझा? अच्छा नेक्स्ट बोल रहे हैं ब्यूटेनोइक एसिड, क्या बोला मैं? चलो नंबर दिया है क्या? अरे बोलो नंबर नहीं दिया, मतलब सर एसिड कौन से कार्बन पर होगी? पहले का, सही है ना? ठीक है, ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन? तो सर चार कार्बन बना दे, एक दो तीन चार, एसिड चाहिए, मान लेते कि ये पहला कार्बन है इसी पे एसिड है, इस पे लगाओ या इस पे? मैं इस पे लगा देता हूँ, एसिड बोले तो सी ओ ओ एच, तो सी ओ ओ एच, अब बस वैलेंसी फुलफिल करो, कार्बन की वैलेंसी चार, इसने कितनी बॉन्ड बनाया? एक, तो और तीन बनाया, इसने दो बनाया तो और दो बनाया, इसने दो बनाया तो और तीन दो बनाया, समझा? इसकी वैलेंसी तो फुलफिल, याद है ना एसिड का स्ट्रक्चर भी तोड़ के बताया था, कुछ इस तरीके से दिखता है,
अब पीछे एक बॉन्ड होती है, तो ये पीछे वाली बॉन्ड तो ये कार्बन के साथ बनाया ही, समझा? लास्ट वन, वन ब्रोमो प्रोपेन। अब ये तो बड़ा आसान है, बोलो जल्दी से, वन ब्रोमो प्रोपेन। प्रोपेन मतलब तीन कार्बन, एक दो तीन, वन पर ब्रोमीन चाहिए ना, तो वन पे लगा दिया, यहां पे लगा दिया, यहां पे आपकी मर्जी। अब बस वैलेंसी फुलफिल करो, कार्बन की वैलेंसी चार है, इसने दो बॉन्ड बनाए तो और कितनी बॉन्ड बनाया, इसने भी दो बॉन्ड बनाया तो और कितनी बनाया, तो इसने एक ही बनाया तो और, समझ में आ रहा है? इजी नेमिंग आया तो कर लेंगे ना। इथेनामाइन, इथेन है ना, तो कितने कार्बन, दो। अमाइन बोला है, नंबर नहीं दिया है ना, तो सर किसी में भी लगा दो, इस पे लगा दो यार, मैं इस पे ही लगा देता हूँ NH2। अमाइन का मतलब क्या होता है? बस अब वैलेंसी फुलफिल करो, कार्बन की वैलेंसी चार, इसने कितनी बॉन्ड बनाया और कितने हाइड्रो, इसने कितनी बॉन्ड बनाया और कितने हाइड्रो, दैट्स इट। एंड द लास्ट वन, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल वन लगा है बच्चे लोग में, देखो वन मतलब कीटोन, वन का मतलब क्या है, कीटोन बोले तो सी डबल बॉन्ड ओ, ब्यूटेन बोल रहा है ना, मतलब कितने कार्बन, चार, एक दो तीन चार, नंबर नहीं दिया है, मतलब पहले ही कार्बन पर क्या लगा है, कीटोन, नंबर दिया है क्या, मतलब बाय डिफॉल्ट कौन से कार्बन पर लगा रहे हैं, तो आप यहां पर लगा दो यार, तो मैं यही लगा देता हूं सी डबल बॉन्ड। अब बस वैलेंसी फुलफिल करो, कार्बन की वैलेंसी चार, इसने कितनी बॉन्ड बनाया, तीन, तो एक, इसने कितनी बॉन्ड बनाया, तो दो, इसने कितनी बॉन्ड बनाया, इसने कितनी बॉन्ड बनाया, तो तीन, हो गया इजी। दोनों टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, स्ट्रक्चर दिया होगा तो नाम लिख सकते हो, नाम दिया होगा तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, पक्का पूरे बुक में जितने प्रॉब्लम सब करवा दिया, एग्जाम में मिस नहीं करना, लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस, तो पहला हिस्सा था जहां पर कार्बन के कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े, सेकेंड हिस्सा था नेमिंग का, और थर्ड हिस्सा है कार्बन कंपाउंड्स के कुछ रिएक्शंस के बारे में। तो वन बाय वन रिएक्शंस को समझो। पहला रिएक्शन है बच्चों कंबस्टन रिएक्शन, पहला कौन सा रिएक्शन है, सभी को पता है कि कंबस्टन करवाने के लिए आप लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो मतलब यहाँ पर देखो कोई भी कार्बन कंपाउंड हो, मैं यहाँ पर मीथेन का एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आप मीथेन को जलाते हो बच्चनों, तो मीथेन में से क्या क्या निकलेगा जलने के बाद, CO2, H2O, हीट प्लस लाइट, फ्यूल है ना, जलेगा तो हीट एनर्जी निकलेगी और लाइट निकलेगी, साथ ही साथ CO2 बनेगा और H2। कोई भी हाइड्रोकार्बन को आप बर्न करे हमेशा यही होगा, वो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट। अब जैसे आप अपने घर में जो हम लोग एलपीजी यूज करते हैं बच्चे लोग, उसके अंदर प्रोपेन होता है C3H8, आप उसको बर्न करेंगे तो उसमें से भी क्या CO2 H2O हीट और लाइट तो दिखती है अपने को। इस बात को समझो, जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कैसा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो वो ब्लू फ्लेम से जलेगा। कौन सा फ्लेम से जलेगा बच्चों, फ्लेम निकलती है ना, फ्लेम का देखो कलर होता है अलग अलग, तो अगर गिवन हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है तो वो कैसा जलेगा, ब्लू फ्लेम। बट अगर वो अनसैचुरेटेड, कैसा बच्चे लोग, तो वो येलो फ्लेम से किससे जाएगा बच्चे लोग, साथ ही साथ ब्लैक डिपॉजिट होगा, सूट जिसको हम लोग बोलते हैं ना वो डिपॉजिट भी होगा, कालिक जिसको आप, जिसको आम भाषा में लोग कालिक बोलते हैं, वो क्या होता है, डिपॉजिट होता है। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन समझो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में ज्यादा कार्बन होता है, जब उसको ऑक्सीजन सफिशियंट नहीं मिल पाता है तो वो प्रॉपर बर्न नहीं होता है, जब वो पूरे तरीके से बर्न नहीं होता तो कुछ कार्बन अनबर्न रह जाता है, मतलब वो जलता नहीं। तो वो जला हुआ कार्बन कौन से फॉर्म में अपने को मिलता है, कालिक के फॉर्म में।
समझा रहे, और वो जलता है तो कौन से फ्लेम के साथ जलता है, येलोइश फ्लेम के साथ, समझा कि मतलब कि आपके पास मैंने एक हाइड्रोकार्बन दिया, मैं बोला चेक करके बताओ कि ये सैचुरेटेड है या अगर आप उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन में बर्न करते हो और फिर भी वो येलो फ्लेम से जल रहा है तो आप बोलेंगे सर ये अनसैचुरेटेड है, और अगर वो ब्लू फ्लेम से जला तो वो ऑलवेज रिमेम्बर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ना दे तो वो भी किससे जलेगा, येलो फ्लेम से जलेगा। अरे समझ में आ गया कि नहीं। सेकेंड रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये तो तुम लोगों ने पहले भी पढ़े चैप्टर नंबर 3 में, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और हम लोगों ने पढ़े थे कि ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, वहां पर चार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम भी बताया था, KMnO4, K2Cr2O7, H2O2, O3। ये चार उन्होंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े थे जो ऑक्सीजन देने का काम करते थे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले दे, मान लो हम लोग इथेनॉल ले रहे, क्या ले रहे, ये इथेनॉल है, मैंने इसके अंदर एसिडिक KMnO4 को ऐड किया, किसको ऐड किया, KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 क्या है, ऑक्सीजन देने का काम करता है। अब होता क्या है, जैसे आप KMnO4 ऐड करते हो, KMnO4 का कलर पिंक है, कैसा कलर है, पिंक, पर जब आप पिंक कलर का KMnO4 इसमें ऐड करोगे आप देखोगे कि पिंक कलर डिसअपीयर, पिंक कलर, इसका मतलब उसने अपना ऑक्सीजन किसको दिया, इथेनॉल, और इसमें जैसे एक ऑक्सीजन ऐड होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH। देखो पहले एक ही ऑक्सीजन था, अब दो ऑक्सीजन हुए, मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ, ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। कलर भी डिसअपीयर हो रहा है, उससे भी पता चल रहा है ये रिएक्शन हो रहा है, इथेनॉल से क्या बन गया, बोलो इसका नाम क्या है, दो कार्बन है ना, तो इथेनॉइक एसिड ना, एसिड है ना यहाँ पे, समझा बच्चे लोग, कोई दिक्कत। तीसरा रिएक्शन एडिशन रिएक्शन, इसके जैसे रिएक्शन हम लोग पढ़े थे। देखो जनरली क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयोडीन टेस्ट। आयोडीन जो होता है वो ब्राउन कलर का दिखता है, हम लोग उसको ऐड करेंगे अगर हाइड्रोकार्बन में, अगर उसका कलर चेंज हुआ, अगर उसका कलर चेंज हुआ मतलब जो अपना हाइड्रोकार्बन था उसने क्या कर लिया, आयोडीन से रिएक्ट कर लिया। अच्छा रिएक्ट कब करेगा, जब वो अनसैचुरेटेड होगा तब, वरना वो रिएक्ट करने वाला, समझाने के लिए एग्जांपल लिख रहा हूं, ये बुक में दिया नहीं है। जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, आपने इसमें क्या ऐड किए, आयोडीन, अब ये इससे रिएक्ट करेगा, एक बॉन्ड को तोड़ेगा, एक आयोडीन इसके साथ आ जाएगा, एक आयोडीन CH2I बॉन्ड CH2 बॉन्ड 2B डबल बॉन्ड में किसमें आ गए। अब अगर मान लो ये सैचुरेटेड ही रहेगा तो फिर वो बॉन्ड को तोड़, तो कलर चेंज, आयोडीन का कलर चेंज नहीं हो, मतलब गिवन कंपाउंड क्या है, सैचुरेटेड। अगर कलर चेंज हो मतलब गिवन कंपाउंड क्या है, मतलब अपने को जो एग्जांपल दिया है ना बुक में वो हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल, इसको हम लोग पहले भी पढ़ते हैं। उसने क्या किया, अल्कीन लिया, क्या लिया बच्चे लोग, और इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और निकल एज अ कैटलिस्ट, इसने इसके अंदर हाइड्रोजन को क्या किया, ऐड किया, तो हुआ यूं कि यहां से एक बॉन्ड टूटी, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन, और क्या बना, CH3 बॉन्ड CH3 डबल से सिंगल, अनसैचुरेटेड से अल्कीन से अल्काइन, क्यों अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, अल्केन है ना, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सही है भैया, अगर याद हो तो ऐसा ही रिएक्शन हम लोगों ने पढ़े थे चैप्टर नंबर 3 में, याद दिलवा दो, हम लोगों ने पढ़े थे अगर हम लोग वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन को ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और निकल एज अ कैटलिस्ट तो क्या बनता था, वनस्पति का घी, याद आया, हां सर अब याद आया है, सुनो मेरी बात, वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड, घी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड इज मोर हेल्दियर एज कंपेयर टू सैचुरेटेड, मतलब बोलने का ये है कि तेल घी के बनिस्बत क्या है, ज्यादा हेल्दी है, तेल खाना चाहिए घी नहीं खाना चाहिए, तेल अनसैचुरेटेड और घी कैसा है, सैचुरेटेड। अरे समझा कि नहीं, बनने ये थोड़ी सी हेल्थ से रिलेटेड बात हो गई।
बैक टू द टॉपिक, लास्ट रिएक्शन। आपके बुक में इसका नाम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया है, आप इसको क्लोरीनेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है। तो जरा यहां पर देखो सब लोग, देखो उसने क्या किया है, मीथेन को क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, मीथेन को क्लोरीन से क्या किया है, बट याद रखना बच्चों, मीथेन क्लोरीन से रिएक्ट नहीं करता, मीथेन क्लोरीन से रिएक्ट करता है एडिशन, जब अल्ट्रा वायलेट रेज हो, सनलाइट जब होगी तभी वो रिएक्ट करेगा, वरना वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो भैया यहां पर मैं क्या लिख देता हूँ, यूवी रेज, क्या लिख देता हूँ, तो इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज मीथेन क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकल के यहां आ जाएगा, यहां से क्लोरीन निकल के मतलब ये CH3Cl बन जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, अगर फिर से इस CH3Cl को आप रिएक्ट करवाएं क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, तो फिर से वही काम, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह एक क्लोरीन चले जाएगा, जब तक कि पूरा हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाएगा पूरे क्लोरीन से, तब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा। जैसे CH2Cl2 को अगर आप फिर से क्लोरीन से रिएक्ट करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, फिर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह कौन आएगा, क्लोरीन। और अगर फिर से इस CHCl3 को मैं रिएक्ट करवा दूं किससे, क्लोरीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज क्या बनेगा, CCl4+HCl, निकल गया एक हाइड्रोजन। ये वाला कंपाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, बेहोश करते ना, वही है, हम लोग ऐसे रूमाल पे गिरा के, हम लोग लेबोरेटरी में जाते सबसे पहले दूध की तरह क्लोरोफॉर्म, पहले तो टीचर को बेहोश करेंगे। एक बात सुनिए, जितना मूवी में दिखाता है कि बस नाक पर रखे और सामने वाला गिर गया, इतना फास्ट होता नहीं, तो सामने वाला बेहोश होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, आप बेहोश जरूर होंगे, आप जब उसके मुंह पे रखेंगे तो वो एक कोई नहीं देगा, तो आप तो बाद में, आप उसको बाद में बेहोश करेंगे, आप पहले होंगे, और कहीं ऊपर दे दिया तो और दे सीधा नाक पे ही, फिर आप ही बेहोश हो जाएंगे, सब नारे। तो दिस आर दी फोर रिएक्शंस फॉर हाइड्रोकार्बन्स, लिख लो उसको, बेहोश करेंगे।